हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे आप सारे लोग? आई होप क्या साले हो, बहुत ही अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं रीना चौहान, रीना चौहान लाइफ स्टाइल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं सेकंड पार्ट्स लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, जो कि इस समय मैंने आप लोगों के साथ में कल शेयर किया था कि कैसे एक बिग यूट्यूबर ने कैसे एक छोटी यूट्यूबर्स को इमोशनली और फाइनेंशली यूज किया और उसके बाद में धोखा भी दे दिया। और ये बात इसलिए बताना ज़रूरी है ताकि आप लोग भी ऐसे झूठे लोगों से सावधान रहें और बाद में धमकियां भी दो तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट्स नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और तेजल्स इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, जिसमें सबूत के साथ में आप लोग देख पाएंगे वीडियो वगैरह उनके, तो आप वहाँ पर जाके उनका वीडियो भी देख सकते हैं। तेजल्स इसका उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो चलिए आगे की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो हुआ क्या था कि आप लोगों ने वहाँ तक जान लिया है कि वो उनके घर आ गई थी, उसके बाद में उनको ताजमहल लेके गई घुमाने के लिए और लाल किले लेकर के गई और जो भी छोटी मोटी वहाँ पर जगह हो आगरा में तो वहाँ पर भी वो लेकर के गई। अब मैंने ये दो शब्द में आधा मिनट में एक मिनट में मैंने इस बात को ख़त्म कर दिया कि वो लेकर के गई, बट मैं वहाँ पर घूमी हूँ। केवल लाल किला ही घूमने में पैरों की जान निकल जाती, क्योंकि अंदर तो हम किसी चीज़ से घूम नहीं सकते, वहाँ तो पैरों के साथ ही चलना होता है। तो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है और धूप के मौसम में जाना, और फिर भी उनको चाहत इतनी थी कि हमें अपनी ज्योति फ्रेंड का सपना पूरा करना है और वो बहुत कुछ करना चाह रही थी उनके लिए, तो उनके बच्चों को लेकर के गई, अपने बच्चों को लेकर के गई। उनके हस्बैंड ने छुट्टी लिया, अपना टाइम बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किए, गाड़ी डीजल पेट्रोल सब बर्बाद किया और उनको घुमाया फिराया सब कुछ। और देखिए, मतलब वो फ़ोटो तक खींचवाने से, उनके साथ वीडियो तक बनाने से बचती रहीं। बहुत ज़्यादा जैसे उन्होंने वीडियो डाले हैं तो आप किसी भी जगह पे देख पाएंगे कि वो कितना ज़्यादा सामने आ रही हैं। मतलब उनको घूमना तो था तेजल के पैसे पर, उनको घूमना था, अपने सपने पूरे करने थे, उनको आगरा घूमने का, ताजमहल देखने का सपना पूरा करना था, मगर सामने नहीं आना था उनको। मैं भी वहाँ पर गई हूँ और एक बार नहीं बहुत बार मैं गई हूँ वहाँ पर, तो मुझे पता है कि कितना थका देने वाला वो समय होता है जब हम वहाँ पर जाते हैं, और जो लोग गए होंगे वो लोग समझते होंगे इस बात पे, क्योंकि बहुत ही बड़ा कैंपस होता है, बहुत बड़ा प्लेस होता है वहाँ पर, तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो कहने का ये मतलब है कि उन्होंने इतना समर्पित होके उनको घुमाया फिराया सब कुछ, और वो उनके वीडियो तक में आने में कतराती रहीं कि कहीं मतलब मेरे वीडियो का असर इन पे ना पड़ जाए और लोग मेरा कम देखने लग जाएं और तेजल का ज़्यादा देखने लग जाएं। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, घूमना तेजल के पैसे पर था, शौक तेजल के पैसे पर पूरा करने थे उस टाइम, मगर उनको तेजल के साथ ना फ़ोटो खिंचानी थी और ना उनके साथ वीडियो बनाना था जो है। तो भाई ऐसा क्यों नहीं वीडियो बनाना था आपको, और ज़बरदस्ती में अगर तेजल ने थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच लिया या बना लिया वो अलग बात थी, वो भी ज़बरदस्ती करके उन्होंने बनाया, तो चलो वो भी हो गया, इनका घूमना फिरना हो गया, अपने घर पे इन्होंने रखा, घुमाया फिराया और गिफ्ट वगैरह भी इनको दिए, और इनके घर में सास ससुर और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं सब लोगों ने बहुत अच्छे से इनका ध्यान ख्याल रखा, अपने एक फैमिली मेम्बर की तरीके से। उसके बाद में ये अपने घर चली गई और इन्होंने वहाँ पे बहुत कम इनके साथ में वीडियो वगैरह शूट किया। अब इन्होंने क्या किया ज्योति ने कि एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बना के बस इन्होंने डाल दिया कि मतलब हम वहाँ घूमने गए थे और तेजल ने घुमाया जो भी है, मगर इन्होंने किसी भी जगह तेजल का डिस्क्रिप्शन में ना तो लिंक दिया,
ना पूरी तरीके से तेजल का नाम, लेकिन इन्होंने बताया कि किसने हमारे साथ में हमको घुमाया फिराया, हमको घर से लेकर के गई, इस तरीके का इन्होंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो अब ये बताइए, सामने वाले इंसान को हर्ट तो फील होगा ही, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो तेजल ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि दीदी प्लीज़ आप एक वीडियो बना दीजिए मेरे लिए अच्छा सा, कि हम लोगों ने साथ साथ घूमा जो है, आप एक बना दीजिए वीडियो। और मेरी फैमिली के लोग भी कह रहे हैं कि फैमिली वालों के साथ में आपने पिक्स वगैरह खिंचवाई हैं सब, तो आप एक वीडियो शेयर कर दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी फैमिली, मेरे सास ससुर को अच्छा लगेगा, हस्बैंड को अच्छा लगेगा। तो रिक्वेस्ट करने पर ज्योति ने एक वीडियो ऐसे ही बना के डाल दिया, जिसमें उन्होंने रफली उनके दिए कपड़े वगैरह ऐसे मतलब दिखा दिए कि हमको तेजल ने ये दिया है, और मगर उन्होंने ढंग से तेजल का नाम तक नहीं बताया, ना डिस्क्रिप्शन लगाया, ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं बताया। फिर तेजल ने मतलब रिक्वेस्ट किया किसी से एक अच्छा सा वीडियो बना के डाल दीजिए। उसके बाद में वो बोली कि यूट्यूब ने हमको मना किया है, मैं वीडियो बना रही थी, यूट्यूब ने हमको मना किया है कि ऐसा नहीं करना है। तो आप लोग बताइए, क्या ऐसा यूट्यूब मना करता है? मैं अगर किसी के लिए वीडियो बना रही हूँ, किसी के साथ वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब मना करता है कि आप किसी के साथ वीडियो ना बनाइए, आप किसी के साथ का वीडियो अपलोड मत कीजिए। रीयूज़ कंटेंट अगर किसी ने बना के डाला हुआ है, हम उसका उपयोग करते हैं, तब तो वो गाइडलाइंस के खिलाफ जाता है। ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ वीडियो बना के डाल लें और यूट्यूब मना करता हूँ। तो ये तो उनकी अपनी पॉलिसी थी, उन्होंने इसको कहा। और जब इन्होंने ज़्यादा रिक्वेस्ट किया तेजल ने कि हमारी फैमिली में सब लोग गुस्से हो रहे हैं, सास ससुर हमारे गुस्सा हो रहे हैं कि कैसी तुम्हारी फ्रेंड थी और एक वीडियो तक नहीं तुम्हारे लिए बना के डाला, और इतना तुमने खर्चा किया, 15-20 हज़ार रुपये तुमने खर्च किए, टाइम बर्बाद किया जो है, और एक वीडियो तक तुम्हारे लिए अच्छा से नहीं बना के वो डाल पाए, तो बुरा तो लगेगा ही भाई, बुरा लगेगा। फैमिली के साथ रह रहे हैं तो बिल्कुल बुरा लगेगा, और ताने भी सुनने पड़ेंगे, शायद है कि पूरी ज़िंदगी उनको ये ताने सुनने पड़े तेजल को। तो उसके बाद में ज्योति ने धमकाना शुरू कर दिया इनको कि जो तुम कर सकती हो तुम कर लो, जो तुम उखाड़ पाओ वो उखाड़ लो, और मैं कोई भी वीडियो बना के डालने वाली नहीं हूँ, और मैंने तुम्हारे पैर नहीं छुए थे कि मतलब तुम हमको ले जाओ, ऐसा करो ऐसा करो। आपने तो बोला ही था ज्योति मैडम, आपने तो बोला ही था उनसे कि मेरा सपना है आगरा घूमने का, ताजमहल घूमने का, लाल किला घूमने का, तो घुमा दीजिए। तो आपका तो सपना था, आपकी दोस्त ने पूरा किया, अगर आपने उन्हें क्या दिया सॉरी ठेंगा, है ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपने क्या कहा कि मेरी भाभी बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं और वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हैं, तुम्हारा चैनल बंद करा सकती हैं और तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हैं। तो ज्योति मैडम, ऐसा नहीं होता, उसके लिए भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं चैनल बंद कराने के लिए भी, और उसके बाद में चैनल ओपन भी हो जाता है बहुत जल्दी, जब यूट्यूब को सारी हकीकत पता चलती है। तो इसलिए ऐसी धमकी प्लीज़ मत दीजिए आप, तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। और उन्होंने तेजल के सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, इंस्टा से भी ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पर भी उनको ब्लॉक, सब जगह से उन्होंने तेजल को, इंस्टा से, व्हाट्सएप से, कॉलिंग से, सब से तेजल को ब्लॉक कर दिया। तो सबसे बड़ा धक्का लगा कि ऐसा कैसे कर सकती हूँ इनके साथ में, इतना उन्होंने प्यार दिया। और पता है उन्होंने जो गिफ्ट इनको दिए, चलो लोग अपने उससे करते हैं, गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल होते हैं हमेशा, मगर हम को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम अपनी पहनी हुई चीज़ किसी को दे दें। तो इन्होंने जो तेजल को जो गिफ्ट दिया है, एक सूट दिया है, सलवार सूट दिया है जिसमें गले में थोड़ी सी कढ़ाई हो रखी है, वो सूट भी उनका पहना हुआ सूट है, जिसको उनके हस्बैंड डांट रहे हैं कि इसको या तो वापस कर दो या तो इसको फेंक दो, जो है ऐसी चीज़ नहीं हमको रखनी है, तो इससे अच्छा तो आप देते ही ना, पहनी हुई चीज़ क्यों किसी को गिफ्ट करनी भाई।
और उनकी भाभी से तेजल ने बात किया तो उनकी भाभी का क्या रिएक्शन था, क्या रिएक्शन है और वो क्या कह रही हैं, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिर लोग पूरा वॉच नहीं करते हैं, चले जाते हैं बीच से, तो इसलिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि जो उनकी भाभी हैं वो बहुत बड़ी बिग यूट्यूबर हैं, 160,000 से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो बिग यूट्यूबर ही हैं। तो मैं आप लोगों को उनका नाम सहित नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या कह रही हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना, दोस्ती तो करना मगर इस तरीके से बिल्कुल भी मत करना कि बाद में पछताना पड़ जाए। तो जो इंसान होता है वो तो हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेता है, जो सच्चा इंसान होता है, जैसे तेजल से इसने किया है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो।